आज है 18 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल में ही साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर बने हैं। साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज कप्तान ग्राम स्मिथ हाल में ही साउथ अफ्रीका टीम के बोर्ड के डायरेक्टर बने हैं। इसके पहले ग्राम स्मिथ साउथ अफ्रीका टीम के अतिरिक्त तौर पर काम कर रहे थे। COVID-19 महामारी के प्रभाव के कारण कहां आयोजित होने वाला यूनेस्को विश्व धरोहर सीमित 44वां सत्र स्थगित कर दिया गया। COVID-19 दुनिया भर में महामारी के प्रभाव के कारण आयोजित यूनेस्को में विश्व धरोहर चीन में 44वां सत्र रद्द कर दिया गया है। इस सत्र में चीन सरकार द्वारा 29 जून से 9 जुलाई तक 2020 तक में पूर्वी चीन के फिजियान शहर प्रांत में आयोजित किए जाने वाला था। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर फ्रांस के पेरिस में स्थित है। यूनेस्को के महानिदेशक हैं आद्र अजय लाने हैं। WWF इंडिया ने किसे अपना पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना। महानतम शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद जी को WWF वर्ल्ड वाइड फंड के महानिदेशक विश्व आनंद को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना। विश्वनाथन आनंद जी पर्यावरण सुरक्षा और संरचना के योग सुरक्षा में वर्ल्ड वाइड फंड का सहयोग करेंगे। इस साल 2020 में वर्ल्ड वाइड फंड भारत में संरक्षण में अपना 50 साल पूरे करने का जश्न मना रहा है। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड की स्थापना 1961 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के गेन में स्थित है। वर्ल्ड वाइड फंड के महानिदेशक मार्को लवरिन हैं। विश्व में हीमिफिलिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व में हीमिफिलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व में हीमोफिलिया या दिवस में विषय या थीम रखा गया था गेट इन्वॉल्व रखा गया था। इस दिन का मनाने का प्रमुख उद्देश्य हीमोफीलिया रोगों का रक्त बहने के संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना है। फैक्स सनवेल के जन्मदिन पर विश्व में हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। फैक्स सनवेल ने 1963 में विश्व हीमोफीलिया दिवस की स्थापना की थी। और विश्व हीमोफीलिया क्या होता है। यह रक्त बहने की एक खतरनाक बीमारी होता है जिससे यह जानलेवा सिद्ध हो जाती है। बहना बंद नहीं होता जिससे यह जानलेवा यह अनुवांशिकता बीमारी है जो क्रोमोजोन यक्त क्रोमोजोन के खराबी के कारण होता है। चीन के हांगजाऊ में आयोजित होने वाला एशिया में पैरा खेल 2020 के शुभ अंकर किसे बनाया गया है। चीन के हांगजाऊ में आयोजित होने वाले एशिया का पैरा खेल फेई फेई को बनाया गया है। एशिया में पैरा खेल 2022 का आयोजन चीन के हांगजाऊ में 9 से 15 अक्टूबर तक 2020 तक आयोजित किया जाएगा। एशिया में पैरा खेल के कुल खेल 22 खेल आयोजित किया जाएगा। फेई फेई का अर्थ होता है दोस्तों, पहले खेई का अर्थ होता है उड़ते हुए पंछी और मानव समाज के समाविष्टता और सम्मान का प्रतीक है। दूसरा फेई का अर्थ होता है अपने कमजोरी पर काबू पाने के साथ एथलीटिक मानसिक परिश्रम को दर्शाता है। हाल में ही MTNL CMD किसे नियुक्त किया गया है। हाल में ही महानगर MTNL का फुल फॉर्म होता है महानगर टेलीफोन निगम के CMD मतलब चेयरमैन PK पुरवार को नियुक्त किया गया है। PK पुरवार हाल में ही नियुक्त किया गया है। PK पुरवार अतिरिक्त प्रभाव MTNL में अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया। MTNL की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1988 में किया गया था। इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। BSNL की स्थापना 15 सितंबर 2000
1971 में किया गया था। BSNL का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, इसका मुख्यालय राजधानी नई दिल्ली में है। और BSNL के वो था प्रमुख चेयरमैन है PK पुरवार जी है, BSNL के भी हैं दोस्तों, MTNL के हैं। अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ IWF के प्रमुख कौन थे जिन्होंने हाल में ही इस्तीफा दिया? अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ IWF के प्रमुख तमास जैन थे जो हाल में ही इस्तीफा दिया। IWF का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ होता है IWF का। तमस आजाद हाल में ही अपने ऊपर लगे आरोप और डोपिंग उल्लंघन के चलते दिया। तमस आजाद के स्थान पर राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष उर्सुला पापड़िया को नियुक्त किया गया है। IWF की स्थापना 1905 में हुआ था, इसका मुख्यालय हंगरी शहर में बुडापेस्ट में स्थित है। और IWF के मुख्य कार्यकारी हैं इस समय अमेरिका की उर्सुला पापड़िया को नियुक्त किया गया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भारत में कितने मिलियन डॉलर का परियोजना वित्तीय सहायता देगा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भारत को 500 मिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता देगा। इस मदद से भारत में अपने स्वास्थ्य प्रणाली का देखभाल के लिए मदद मिलेगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक यानी AIIB के नाम से जानते हैं। AIIB चीन द्वारा प्रारंभ किया गया एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना AIIB 16 जनवरी 2013 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग शहर में स्थित है। इसके प्रमुख हैं अब्दुल अजीज यमरसी जी हैं। हाल में ही RBI ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर कितना कर दिया गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से हाल में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75 कर दिया गया है। और दोस्तों RBI का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं जो 25वें गवर्नर हैं। वीडियो कैसा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।